तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर खुद पूछ लो, वो तो नहीं करेंगे, कुछ तो निकला ही इसके बाद। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तेजी बोलना हमको भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, कर दे वेलकम है। और भाई आज हम लोग ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है। आज जो स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई मतलब तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी है, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है। फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार, तुमने वो तो बोला गया प्रिटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें, ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था। बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोलेगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, वो समझ गया। अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल सकते हैं अपनी अपनी पसंद है घर से ये बोल। हाँ क्या बात, हेलो हाँ भेज दिए थे उसी से रहना है चौबीस घंटे के लोकल में। तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है बट इसने अभी तक एक भी ऐसा हाँ, लेटेंट नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है बट देखा नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग, तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा सब सफेद वाला। सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति के हैं, लिए, डव नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो शुरू करें फिर, चालू करो फिर, चालू करो। लेकिन क्या पता अभी कमेंट में बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है फ्री। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये ऐसे खाते हैं। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीना ये लोग पूरा करता रहता है। लेकिन अभी बजट थोड़ा सा, पहले पैसा नहीं आता था, पैसा आ गया तो टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी फिजिक वाला लगा क्या, वैसे ही लग रहा था। एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गए। टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का जो है शो से हमें पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, वो है विनर। जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है क्या, जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो ये तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का एक लेक्चर ले लिया। शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीज उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी, हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर। Is she here? Natalie, are you here? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम I'll tell you. I love you, baby. आज जो भी होगा ना डरना मत. Don't be scared of me or anyone here, okay? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो। Fingers crossed. अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? Calm me down. Don't encourage me. आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, Baitan mein bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you. Bhai, samay rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will be fine. Hey, who is it? Balraj. He is the space owner. What's up, you guys? Really? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hi aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Latent? हाथ नहीं मिलाया उससे देखा राहुल सिंह मैक्सिमम नॉइज़ वो आखिरी में उससे हाथ मिलाने के लिए किया बट एक जगह चली गई हेलो बच्चों क्या हाल चाल फिजिक्स वाला आ गया क्यों नहीं हो रही पढ़ाई अरे माता चुप वही बन के वही बन के आए लोग इसको पता है क्यों मसाला पढ़ाई होगी कैसे यार तुम क्लासरूम से या तो क्लब में रहते हो किस किस को क्लबिंग जाना पसंद है यहाँ पे जोर से आवाज करो जनरली सिर्फ लड़कियां ही आवाज करती हैं क्योंकि उनको एंट्री मिलती है ना हमें तो नहीं मिलती यार कभी पर मुझे भी क्लबिंग जाना बहुत पसंद है बट प्रॉब्लम यह है ना कि मेरी हाइट छोटी है लाइक मैं लड़की को दारू पिलाऊं हंसाऊं नचाऊं एक लंबा लड़का क्लब में आ जाए यार बंदी ले जाता है यार वो आपने देखा मैं उस लड़की के लिए देयर इज नो रिकवरिंग फ्रॉम दिस आपको पता है मैं उस लंड के लिए क्या क्या करता ऐसे बोला उसने लंबा लड़का देख के ये फिसल गया क्यों नहीं हो रही है चुदाई तुरंत वो हाथ छू लिया गया रे मैं करूंगा ना सर उसका एक्शन करना एक्शन हाथ पकड़ लिया तुरंत सुना उसने आप करते रहिए भाई मैं उस लड़की के लिए पिछले 3 घंटे से गांड हिला रहा था वो उसके साथ चली गई ये कोई सीएसआर एक्टिविटी चल रहा था क्या आपको पता है बट फिर भी ये लंबे लड़के तो फिर भी ठीक है यार आपने कभी देखा है बॉलीवुड म्यूजिक देखा इन जनरल बॉलीवुड म्यूजिक कितना हाई एनर्जी होता है उसमें कितने हाई एनर्जी गाने होते हैं जैसे एक गाना होता है टन टन आटन टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12 कितना चीजी गाना है यार ये और इसमें क्या इजी स्टेप है चलती है क्या 9 से 12 चलती है और डीजे इस लाइन को 6 बार बजाता है और मैं उसी पे लगा पड़ा हूँ चलती है क्या 6वीं बार गला अटक जाता है यार मेरा पूरी रात मुझे ऐसे नाचना पड़ता है ऐसे 2 बाउंसर मुझे उठा के ले जाते हैं ये सोच के मिर्गी आ गई इसको क्यों नहीं हो रही है कॉमेडी सही बात है एकदम अग्री पूरा अग्री करता हूं मैं ओपन माइक नजदीक आ रहा है लाइफ में कुछ करना है लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट ही वॉक्ड इनटू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट दिस इज अ वेरी कोल्ड रूम फॉर दिस राइट नाउ एक तो बेचारे से फंबल हो गया फिर हमने 2-3 बड़े लाफ उठा लिए फिर पूरी ही लगी गई थी फिर ये बीच में हॉ वगैरह बोल रहा है तो आई अंडर इट वाज अ टफ सेट बट या एक बार ताली बजा लो यार मतलब मुश्किल था ये यानी कि यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज या या ओह दैट्स सैड आई डोंट नो दैट इज वर्किंग आउट स्टिल हाउ आर दे देरी है एक ही है वो तो हां श्योर तो भाई लाइक हाउ लॉन्ग यू गाइस हैव बीन इन दिस डिस्टेंस अभी तो 1.5 साल हो गया Oh shit! And yeah. you are able to make it work? Yeah, we are able to make it work. कभी कभी मिल लेते हैं। तीन लोग मिलके करेंगे तो चलता ही है फिर तो। नहीं भाई अभी तक 2 ही चल रहा है। सही बात है। यहाँ लिखा है you apply perfume every day because you were rejected by a Brazilian girl. अरे हम सो के उठ के चले गए थे। यार यही इंडियंस का नाम खराब कर रहे हैं दुनिया भर में भाई। भाई बगले सुना रहे लड़कियों को भाई। भाई मैं नहीं सुना रहा था। वो कह रही है चोक मिटाड़ी करा
यो व्हाट्सअप कितने बदबू आ दिया आपसे यार भाई वो लड़की की हाइट ज्यादा थी मैंने हाथ उठाया उसको सूंघ ले भाई भाई बट दैट एक्सप्लेन्स द लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज बहुत देर में बोला भाई हां बट मैंने उसमें लिखा कि नाउ आई अप्लाई इट एवरी डे जब ये मरेगा ना इसकी मैयत में रुई सबकी नाक में होगी ना ले भाई थोड़ा यार अरे तब से मैं नहा रहा हूँ तब से नहा रहा हूँ ना ये पहली बार होगा आग लगने से पहले ज़्यादा बदबू आ रही थी ये एवेंजर्स में होता ना तो थैनोस कभी चुटकी नहीं मार पाता वो ऐसे रहा था भाई नहा लिया करो भाई भाई नहा कोई नहीं भाई इस इज अ गुड गाय ओके यू हैड अ बैड डे दैट्स ऑलराइट दैट हैपेंस या लिखा है कि थ्री थिंग्स यू कांट लिव विदाउट Irritating my wife. That's the top yeah. thing you've written. Yeah, I love. मैं अपने सारे jokes उसपे try करता हूँ. तो आपको ये distance कम करने का नहीं मनेगा भी? नहीं, in person करता तो वो distance में चले जाते. अच्छा, but नहीं यार, like what's the goal like? To be honest, I feel yeah. that you deserve a nice, loving family, everything. No, so, I will get that. मतलब उसका course खत्म हो जाएगा, then we'll live together. You mean all of this is possible if you just shower? Like why? Imagine the gains of. आपके jokes भी ठीक हो जाएंगे. So your wife knows you're here? No, I've not said her that. तो आप दोनों बातें छुपाते हैं एक दूसरे से नहीं नहीं मैं वो तो छुपा ही नहीं है Is she like your love of your life? Yeah, yeah, we had a 5-year relationship and then we got married. 5-year relationship? Yeah. 5-year? Achha, 5-year, bhai. 5-year नहीं, bhai. मुझे fire ही सुनाई दिया. He's not like, our marriage was late. Yeah. तो भाई कोई ship का experience बताओ ना भाई. आपके ship में कभी कुछ हुआ है ऐसा crazy? कभी कोई साबुन गिरा हो और आप तो उठाते भी नहीं है नहीं भाई तो साबुन और इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है क्या बात कहाँ पे आ गया भाई बीच में तो शिप पे क्या होता है आपके साथ भाई कुछ नहीं होता मैं चलाता हूँ मतलब I'm an officer there so oh, I do the lunch, you ride like ship चलाते हैं आप पूरा मतलब literally yes but by the switch like how कभी wife के साथ वो किया है वो की वो टाइटैनिक वाला वो क्या है कि आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड वगैरह वो सब क्या है उसके लिए आर्म्स ऊपर करना पड़ता सही है सोच के एकदम आज वो जाके ना आए परसों में उसमें लाती है वो ये अंगड़ाई ले रहा होता है तो क्या रहता है मर्चेंट नेवी में मतलब व्हाट इज योर जॉब आई एम अ नेविगेटिंग ऑफिसर उसमें क्या जाता है उस शिप में एक कार्गो जाता है कार्गो शिप्स लाइक योर फोन्स और द राइस वीट ऐसा होता है ना कि अगर वो कंटेनर पानी में गिर जाए yep. तो देयर इज नो वे टू रिकवर इट ऐसा कुछ रहता है ना अगर ज्यादा गहरा है तो कोई जाएगा नहीं लेने अच्छा नहीं वो तैरता है ना वो तो ऊपर हवा पानी में नहीं भाई डूब जाता है वो भाई बॉयंसी नहीं आती उसमें डूब जाता नहीं डूबता है भाई He's a sailor here also, bhai. Bhai, doob jada, bhai. Bhai, sailor, aa, bhai. Sailor, aa, sailor. Sailor, 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 sailor. Aaya, bhai, aaya, bhai. Agar do sailor ya technical baatein karne wale, toh main khud ka gala ghot ke mar jaunga yahan par. Aaya, bhai. Do balti paani mein dekhi kaun aata jaldi. Is samay log baat wahan hai. From the audience. Yahan prove karna hai, sahi hai ya galat. Kya naam hai, bhai sahab ka? Saket. साकेत भाई तो आप कह रहे हैं कि जब कार्गो गिरता है पानी में वो तैरता है कंटेनर तैरता हाँ कंटेनर आप कहते हैं डूब जाता है कंटेनर तो अब आप में से एक झूठ बोल रहा है अब एक आप कंटेनर पे हो सब क्या कंटेनर बल्क सब भाई डूब जाएगा भाई कंटेनर क्यों डूबता है भाई क्योंकि उसमें पानी भर जाता है वजन आ जाता है गिर जाता है वो वेदर प्रूफ रहता है पानी जा ही नहीं सकता अंदर ऊपर से बॉयंसी की वजह से बट इन दिस केस ही इज अज्यूमिंग दैट द कंटेनर इज नॉट डैमेज्ड ओह वेदरिंग या
अगर वो गिरा है तो कुछ टूटा फूटा टूट फूट के कुछ गिरा है तभी टूट रहा है भाई। रुक जा यार एक सेकंड यार बहन, एक सेकंड यार, तेरा हस्बैंड है वो, इसको बुला लो। नहीं नहीं वो अनफेयर हो जाएगा, उसकी वाली तो वहां है ना। ये रहा तो यार वाइफ जी, यू कांट, यू कांट भाई, 2v1 हो जा रहा है यार, ये गलत है, ये हैंडीकैप मैच हो जाएगा वो। बेंजी दो सेकंड। तो आपका क्या नाम था मेरे भाई? साकेत। साकेत एंड राहुल। राहुल, तो राहुल भाई आप कह रहे हैं कंटेनर डूब जाएगा क्योंकि उसमें क्रैक हो जाएगा भाई, पर वो कह रहे हैं वो क्रैक होगा ही नहीं उसमें। स्टेज पे आना है भाई, आ जाओ आ जाओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट कम नहीं आ रहा, कम नो, देयर इज नो माइक ना। You are shy. You are not shy. You are shy. Clearly. You are not shy. KL. फिर क्या आपको लगता है मैं बातें करनी है आपसे? नहीं आना ना तो फिर चुप बैठो फिर। ब्रदर मुझे लगता है आप इनसे कंटेनर के बारे में सीख लें और आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज के बारे में सीख लें। Round of applause for him, guys. तो ठीक है यार, टाइम टू स्कोर राहुल भाई। क्या राहुल भाई, मैंने आपको दिया है एक बॉडी वॉश एंड उसके साथ आई हैव गिवन यू अ 7.5 बिकॉज ऑफ हर। फोर भाई सीरियसली ले रहे हैं ये शो को। सिक्स फ्रॉम तन में भाई, सिक्स पॉइंट फाइव और 4.5 हो गया भाई, 4.5 दैट मेक्स योर एवरेज 6 ब्रो। कर दिया। नहीं 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 8.5 bro come on man, there's so much distance between your score. koi baat nahi, zor daale for Rahul Singh. Thank you so much. All right, we are down to the last act of the night. हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा? एक घंटे का शो शूट किया हमने, ये है ना, तो एक घंटा ये क्या वर्थ इट है हमारे? मतलब मेरे को तो ठीक लगा, ठीक लगा। हाँ मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, एज एंटरटेनमेंट देखा और नहीं, एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था, ऐसा कुछ नहीं। पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला, पैनल। अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके जितने भी जज आके बैठे उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बच्चों। लेकिन रघु ने बढ़िया की, रघु और समय रहना बीच में थोड़ा बहुत वो समय का वो बतार तन्मय। हाँ तन्मय, इन तीन लोग की किए हैं, बाकी तो फिर नहीं हुआ। तन्मय भी बहुत कम किया, बहुत कम था। अगर पहली बार फर्स्ट व्यू, पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी, उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है। क्या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा? ऑलरेडी कोई बना हुआ शो है, उससे इंस्पायर्ड शो है ये, इंस्पायर्ड है। फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा भाई, बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई। लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी की वजह से मुझे लगा चल गया वो। बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है, हम भी लोग भी तो ऐसे बात करते हैं कि अबे किस तरीके से करते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि नहीं इस तरीके से अजीब लगेगा है ना, ये उस चीज को किया यूज देखो बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार। और ये सब लोग माता जो देखते हैं ना हम लोग का वीडियो, हम लोग अगर जो काम हम लोग कर रहे हो समय ना कर रहा होता ना तो उन लोगों ने भी चौके मार दिए होते हैं, चटाई चल तो यही सीन है भाई। तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे? शो को, पूरे शो को? ओके, मतलब मुझे लगा इस एपिसोड ओवरऑल दोगे? अरे मतलब इस एपिसोड को ही। हाँ अच्छा, इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से? 5 में से। मतलब मैंने पहली बार देखा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने
हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे, यहाँ उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया, जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं मतलब लेकिन वो बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है, बट इसने खराब नहीं किया तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे दूँ क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ, बट सब कुछ सही लगा और सब कुछ पसंद आया। बोलो तो भाई, देखो मैं नंबर दू के पहले थोड़ा कुछ बता बता दो, पहले बातचीत हो जाए। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना, जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब ऐसे नहीं, इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके। रवि गुप्ता वाला कितना मस्त मस्त है वो, रवि गुप्ता वाले में एक तो सब लोग हैं। रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी, प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था, आदमी चूतिया वाला, हाँ वो भी मस्त है। विपुल गोयल भी उसी में था, और हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने, टैलेंट देखने नहीं आ रहे, मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ, उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस में स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो वैसे वाले, ऐसा नहीं है चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है, एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है, जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था, मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है, वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया, तो इस तरीके से आते हैं लोग। रफ्तार आए थे सबसे पहले वाले में रफ्तार, और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था तो फिर रफ्तार बोल रहा है एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा, एक और करवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हुई थी, मतलब ठीक है शो, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ, मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए, मतलब जो व्यूज इसको मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है। तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5 3.5 पुराने एपिसोड से कंपेयर कंपैरिजन कर दो। यस मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो कोई मेरा 3 है भाई, 3 है, हां ठीक है, जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए। हां वही तो, सारे फॉलो किए हैं तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो था दीपक कलाल उन लोग वाला, टाइम नहीं मिला, मैं भी नहीं देखा, मैं अभी भी नहीं देखा। तो कितना हो गया 15 में से 4.5 3.5 हो गया कितना, 8 9 9 4.5 3.5 8 हुआ 3 10 15 में से 11 तो बढ़िया है भाई, लौंडा तो पास है। हाँ ठीक है, 11 11 करेक्ट, पहली बार गलत हुआ दूसरी बार थोड़ी हो जाएगा, तो अगला उड़ा उसी को मत देखना बार बार। नीचे लोग ये ना बोल दे कि भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, तुम मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना, अरे मादरचोद ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक। तो गाइस 15 में से 11 नंबर, हाँ ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक बायोलॉजिकल सही बात। तो खत्म करें यहीं पे, खत्म करते हैं भाई, थैंक्स फॉर गाइस पास हो गए शो के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे। तो इसको ये बताओ हम लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या 3-4 पार्ट में करके डालेंगे, जैसे कितने टोटल 4 शो हुए हैं हाँ। तो दो डाल रहे हैं, अगर 10 मिनट के ऊपर निकल रहा हूँ 8 मिनट चाहिए हमको तो मैं ऐसे करके डाल दूंगा, इंट्रो इंट्रो मिला के अगर 10 मिनट का हो रहा होगा इंट्रो इंट्रो मिला के तो वैसे ही कर देंगे फिर, है ना। बाकी शॉर्ट्स और गाइस यहाँ पे चैनल आ रहा होगा उसको देख लेना और उसपे जाके देख, भाई कमेंट पे गाली गलौज तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना जो कर सकते हो, बाकी मर्जी है तुम लोगों की, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, समझे, चल तो हमारा रहा है, चल तो रहा है तुम लोग, लेकिन लेकिन अपना ओपिनियन दे देना, वो जो भी है मतलब गाली दोगे ओपिनियन, जैसे ओपिनियन के नाम पे आज का ओपिनियन, अगर एक ऐसा करे हम लोग, ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना, ठीक है ठीक है भाई, चलो यही पे खत्म करते हैं, चलो भाई सायनारा।